हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर झालर बनाने सिखाऊंगी। देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ये तीन कलर की ऊन ली है, रेड कलर की और येलो कलर की और ग्रीन कलर की। ये मैंने पेंसिल ली है जिसका हमें इतना सुंदर फूल बनाना है जिससे बहुत ही सुंदर झालर बनेगी। देखो मैंने ये रेड कलर की ऊन सबसे पहले ले लेते हैं इस पेंसिल से। बहुत ही सुंदर फूल बनाऊंगी। ये देखो ऐसे पेंसिल के ऊपर और ऐसे इसके चारों तरफ आपको ये लपेटना है। देखो फ्रेंड ऐसे चारों तरफ। देखो फ्रेंड मैंने ये ऐसे लपेट दिया। फिर ये जो धागा है ऊपर से ये पेंसिल से यहाँ से निकाल लीजिए और ऐसे नीचे की तरफ ये खिसकाए ऐसे। और जो ये नीचे वाला धागा है ये वाला और ये इस धागे में ऐसे ये वाला धागा है इसको इस फंदे में ऐसे डाल देना है। ये देखो मैंने ऐसे डाल दिया है। और इस धागे को जो मैंने ये इस धागे में डाला है इसको अच्छे से खींच लें और ये इसमें अच्छे से टाइट करके गांठ लगा ले। देखो फ्रेंड ये मैंने गांठ लगा लिया। अब ये फूल बनके तैयार हो गया है। आपको ऐसे ही सारे फूल बनाने हैं। देखो फ्रेंड ये फूल मेरा बनके तैयार हो गया है। देखो फ्रेंड मैं एक और बनाना बताती हूँ। ऐसे पेंसिल के ऊपर ऐसे धागा लेना है और ये ऐसे इसके चारों तरफ आपको लपेटना है ऐसे ऐसे पूरा लपेट के। देखो फ्रेंड ये वाला धागा यहाँ से फिर ऐसे निकालना है लपेटने के बाद। और जो ये धागा मैंने ये पेंसिल के इसमें डाल लेना है ऐसे। आपको ये ऐसे बनाने में जी होगा। फिर ये ऐसे खिसका देना है ये जो धागा इसे खींच लेना है और ये फिर खींच के इसमें गांठ अच्छे से टाइट से गांठ लगा देनी है। देखो फ्रेंड ये मैंने फूल बना के तैयार कर लिया। आप ऐसे फूल बना के तैयार कर लीजिए। फिर मैंने ये येलो कलर की मोती लिया है। आप ये मोती ऐसे गोल्ड कलर के ले सकते हो। फिर मैंने ये सुई ले लेती हूँ जिससे हमें ये ज्वाइंट करना है सुई में डाल के। देखो फ्रेंड ये मैंने सुई ली है। इस सुई में ऐसे इस साइड में से इस साइड से ऐसे डालना है। देखो फ्रेंड ऐसे डाल के फिर इसमें एक गोल्ड कलर का मोती डाल लेते हैं। फिर दूसरे कलर का आपको ये फूल डालना है इस तरह से। फिर एक गोल्ड का मोती डाल लेते हैं। फिर से ये येलो कलर का मैंने डाला है। आप इसी हिसाब से आप कितने भी कलर कर ले सकते हो। देखो फ्रेंड इसी तरह से आपको ऐसे सारे मूर्ति और ये फूल मैंने जो बनाया है ऐसे ही डालना है। देखो फ्रेंड ये मैंने ऐसे बना दिया है। इसी तरह से आपको सारी ऐसी ही बनानी है। मैंने ये तीन साइज की बनाई है छोटी बड़ी। इसी तरह से आपको ये बनानी है। अब मैं इसे ज्वाइंट करना बताऊंगी। देखो फ्रेंड मैंने ये रेड कलर के धागे से पट्टी बनाई है। अब मैं इस पर ये फेविकोल लगा के बहुत ही सुंदर ये मैंने इस तरह के सीसे लिए। देखो
देखो फ्रेंड, ये मैंने रेड कलर का धागा लिया है, इसे यहाँ से ऐसे जॉइंट करना है आपको। देखो फ्रेंड, मैंने ये इस तरह से जोड़ी है। अब अगली बता जोड़नी बताती हूँ। अगली वाली जो हम दूसरी जॉइंट कर रहे हो, यहाँ से लेके ऐसे जॉइंट करना है। देखो फ्रेंड, मैंने ये सारा जॉइंट कर दिया है। इसी तरह से आपको ये आपस में ऐसे पूरा जॉइंट कर लेना है। हमें इसके जो हमें फूल बनाना है वो बनाना बताती हूँ। ऐसे पूरा अपने हाथ पे लपेटते जाए। देखो फ्रेंड, मैंने ये हाथ पे लपेट लिया है। फिर ये यहाँ से कट कर लो। उसके बाद ये जॉइंट ऐसे धागा करने के बाद इसे यहाँ से हाथ में से धीरे धीरे निकाल लें और इसमें गांठ लगा लें। ऐसे ऐसे गांठ लगा लीजिए। देखो फिर ये यहाँ से ऐसे पूरा कट कर दो। देखो फ्रेंड, ये मेरा फूल ऐसे बनके जो मैंने बनाया है, ये ऐसे बनके तैयार हो गया है। अब इसे मैं इसमें जोड़ना बताऊंगी। देखो फ्रेंड, ये यहाँ से जो ये है, यहाँ से ये जॉइंट करना है। देखो फ्रेंड, मैंने ये फूल ऐसे जॉइंट कर लिया है। आपको ऐसे ही जॉइंट करना है। देखो फ्रेंड, अब मैं इसमें इस येलो कलर के फूलना लगाने बताऊँगी। ये मैंने फूलना बनाया है, जैसे मैंने वो इस कलर का बनाया था उसी कलर का ये ऐसे ही सेम ऐसे ही बनाया। मैं इसमें फुन्ना लगाऊंगी। देखो फ्रेंड, मैंने ये येलो कलर के फुन्ने बना के इसमें पूरा लगा दिया है इस तरह से। आपको देखो, अब मुझको ये यहाँ पे फेविकुक लगा लीजिए और ये ऐसे 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 देखो फ्रेंड, ऐसे आपको ये लगाना है। फ्रेंड, मेरी ये झालर बनके तैयार हो गई है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब बटन ना भूलें।